फिर बेटा 2.2 पॉइंट है उसकी स्टेटमेंट देखें अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट मूव्स टू वन किलोमीटर इन हंड्रेड सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सरेशन व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ हंड्रेड सेकेंड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो है डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वन किलोमीटर किलोमीटर का मतलब है थाउजेंड मीटर और टाइम हमें गिवन है हंड्रेड सेकेंड ठीक है नाउ बाय राइटिंग द डाटा आप देखें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस इज़ वन किलोमीटर किलो मीन्स वन थाउजेंड तो वन थाउजेंड मीटर आ जाएगा इसी तरह आगे आप देखें टाइम दिया हुआ है टाइम कितना है टाइम इज़ हंड्रेड सेकेंड हंड्रेड सेकेंड लिखेंगे अब अगर आप देखें ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी लेकिन एक्सेलरेशन गिवन नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू ए टी स्क्र बाई बुटिंग द वैल्यूज़ आप देखें थाउजेंड uh, आ गया हंड्रेड मल्टीप्लाई बाइ जीरो टर्म वैसे जीरो हो जाएगी वन बाई टू और हंड्रेड का जवाब स्केयर लेंगे टेन थाउजेंड ए आ जाएगा ए मीन एक्सलेशन इसको डिवाइड करेंगे टू से टेन थाउजेंड डिड बाई टू फाइव थाउजेंड तो दूसरी साइड पर हमारे पास क्या है वन uh, थाउजेंड है एक्सलेशन फाइन आउट करने के लिए फाइव थाउजेंड दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव थाउजेंड एक्सरेशन विल बी जीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ठीक है अब एक्सरेशन आ गई है सिंपली हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे बी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी इनिशियल वेलोसिटी वैसे जीरो है एक्सरेशन जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड